नमस्कार, आप देख रहे हैं रबजी लाइव और मैं हूं आपके साथ मनीष। उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी के बिछाए चक्रव्यूह में समाजवादी पार्टी सहित अन्य विपक्षी पार्टियां फंसी जा रही है। जी हां, उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की ढाई दिन की भारत जोड़ो यात्रा ने विरोधियों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। जिस तरह शतरंज में घोड़ा ढाई घर चलकर ऐसा चक्रव्यूह रच देता है कि बड़े बड़े धुरंधर उसके आगे फेल हो जाते हैं, उसी तरह राहुल गांधी की ढाई दिन की यूपी में यात्रा ने भी कुछ ऐसा ही प्रभाव छोड़ा है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने यूपी में ढाई दिन गुजार कर तीन दशक के क्षेत्र में कमजोर पड़ी अपनी पार्टी को खड़ा तो नहीं कर सके, लेकिन 2024 के चुनाव के लिए एक मजबूत सियासी आधार रख गए। दरअसल यूपी के लोनी बॉर्डर से लेकर कैराना तक राहुल गांधी की यात्रा में मुस्लिम समुदाय का भारी जनसैलाब उमड़ कर सामने आया, जो कांग्रेस के अंदर एक नई ऊर्जा पैदा कर दिया, तो दूसरी ओर सपा को नए तरीके से सोचने के लिए मजबूर कर दिया। स्थिति यह भी कि राहुल गांधी जिस रास्ते से पैदल गुजर रहे थे उन पर मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों से लेकर हिजाब पहनी मुस्लिम महिलाएं भी कतारों में खड़ी थी। इतना ही नहीं, कांग्रेस और राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे भी लग रहे थे। राहुल गांधी मुस्लिम क्षेत्र शामिल से निकले तो उनके साथ मुस्लिम उलेमा और कांग्रेस के कई मुस्लिम नेता साथ दिखे। जाहिर सी बात है कि यात्रा में मुस्लिम समुदाय के शिरकत करने से कांग्रेस के हौसले बुलंद हुए हैं, तो सपा के लिए चिंता पैदा कर दी है। इस पर राजनीतिक जानकारों का कहना यह है कि राहुल गांधी आरएसएस और बीजेपी पर आक्रामक रुख अपनाकर मुस्लिम समुदाय के विश्वास को जीतने की कोशिश कर रहे हैं। उनके अनुसार संघ बीजेपी पर राहुल गांधी का इतना खुलकर बोलना मुस्लिम समुदाय को पसंद आ रहा है। जानकारों के अनुसार मुसलमानों से जुड़े मुद्दे पर जब कोई नहीं बोल रहा है तो राहुल गांधी उनके लिए खुलकर खड़े हैं। यही बात मुस्लिमों को कांग्रेस की तरफ लौटने के लिए मजबूर कर सकती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस उनकी पहली पसंद रही है। देखें तो यूपी में भारत जोड़ो यात्रा में उमड़ा जनसैलाब जहां चर्चा में है, तो वहीं श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने भी राहुल गांधी की यात्रा की प्रशंसा की है। इसे समझा जा सकता है कि सत्ता पक्ष भी इसे हल्के में नहीं ले रहा है। वैसे भी यूपी का इतिहास बताता है कि यहाँ सपा बसपा या अन्य क्षेत्रीय दल कांग्रेस के पैर पर पैर रखकर ही आगे बढ़े हैं। इसी के कारण कांग्रेस का उत्तर प्रदेश की सत्ता से बाहर हुए तीन दशक से ज्यादा का वक्त हो गया है। प्रियंका गांधी ने भी पूरी ताकत लगाकर देख लिया, लेकिन कांग्रेस में जान नहीं डाल सकी। ऐसे में राहुल गांधी ने ढाई दिन पैदल चलकर सूबे में 2009 जैसे नतीजे दोहराने की उम्मीद जगा दी है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल रबजी लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। Thank you.